टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। बीजेपी नेता को किसानों ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा है। पिटाई भी कुछ इस कदर की कि नेताजी के कपड़े भी किसानों ने फाड़ दिए। तस्वीरों में जो दिखाई दे रहे हैं ये बीजेपी के नेता कैलाश मेघवाल हैं। तस्वीरों से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किसानों ने नेताजी की पिटाई किस तरह से की है कि इनके कपड़े तक फट गए। ये पूरा मामला राजस्थान के श्रीगंगानगर का है। आपको बता दें, भाजपा नेता महंगाई और सिंचाई पानी को लेकर कलेक्टर परिसर में प्रदर्शन कर रहे थे, तभी वहाँ पर किसान पहुँच गए और जमकर दोनों पक्षों में भिड़ंत हो गई। पुलिस प्रशासन ने किसानों पर लाठी भी चार्ज किया। मुख्य बाजार में पुलिस ने किसानों पर लाठियां बरसाई और किसानों ने कृषि कानून के खिलाफ अपना गुस्सा बीजेपी नेता कैलाश मेघवाल पर उतार दिया। इस कदर ये गुस्सा उतारा कि उनके कपड़े तक फाड़ दिए और दौड़ा दौड़ा कर उन्हें पीटा है। बहरहाल, इस पूरे मामले को देखते हुए श्रीगंगानगर कलेक्टर परिसर में चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात की गई है।